सत संगत कर बंदिया तेरा मुख जुआना जाना सत संगत कर बंदिया तेरा मुख जुआना जाना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रातां दे अंधेरियां च दूर तो दिखाई देंदे वक्खरी ही शान हुंदी रोशन मनारां दी लोकां दे दिलां विच निक्की निक्की याद रहे मिटदे जो कौम लई शहीद करदारां दी नहीं परवाह जिहनूं सूलियां ते फांसियां दी लम्मी है कतार सरलत सरदारां दी अमर जीत पाउण वाले अमर हमेशा रहिंदे वीर गल करिए अजीत ते जजारां दी अमीर विरसे दे वारसो विरसा बड़ा कीमती सरमाया हुंदा है इस उत्ते जिन्ना भी माण कीता जावे ओह थोड़ा है जिन्हां नूं विरसे दा एहसास है उन्हां दा ही इतिहास है। बकौल शायर लिखदा जिन लोगों को विरासत का एहसास नहीं होता उन लोगों का कोई
इतिहास नहीं होता। आओ मैं उस समय की गल कर लग्या जदों वाहगुरु के पुजारियों ने हथियारों का सहारा लेना आरंभ किया, कढ के खंडिया ना सियाड़ कुरबानिया के बीज बीज दते, अपने इतिहास नूं लिखण लई लहू नाल हरफ पाए, जबर ते जुल्म दा टाकरा करना शुरू किया। ए ओ समा सी जदों गुरु अर्जन देव जी की शहादत दे नाल सिखां दे हिरदे बलूंदरे गए अते हरगोबिंद महाराज के दिल दिमाग उत्ते एक गहरा सदमा लगा, जिस दे फलस्वरूप हरगोबिंद महाराज ने 11 साल की उम्र के शस्त्र उठाउण का निर्णय लै लिया। भाई गुरदास जी आखते हैं, ज्यों कर खूहो निकले गल बधे पाणी, ज्यों मण काले सप सिर हस दे ना जानी, जान कथूरी मिर्ग तन मर मुके आनी, तेल तलोक निकले बिन पीड़े कहानी, ज्यों मूह भन्ने गरी दे नलियेर निशानी, गुरमुखा लोहा साधिया बगदी बादाणी। इस शहादत ने पंजाब के इतिहास उत्ते एक ना मिटन वाली रेखा उकर दिती। इस शहादत का प्रभाव इतना दूर रसी सी कि सेना का निर्माण सिख समाज अंदर होया। हरगोबिंद महाराज थोड़े समय में एक धार्मिक आगू के नाल नाल सैनिक आगू भी बन गए, सिखा अंदर विरोधी जज्बे ने जन्म लै लिया, स्पिरिट ऑफ अपोजिशन पैदा हुई। इस शहादत ने सिखां दे पुर अमन जज्बिआं नूं भड़का दिता। इस शहादत का प्रभाव सुभाविक ही मजूसी का पैना सी सो पिया, पर हरगोबिंद महाराज ने इस नूं सदीमी मजूसी ना बनन दिता। डर सी किधरे सिख दुनिया के झमेलिया तो तंग आ के उदासी ना हो जाण, पर गुरता गद्दी ते ओ दल भंजर सूरमा बैठा जिसने सारा जिम्मा अपने सिर लै लिया। एहो जिहे बन नूं बन्ने जिन्हां सदका कौम दा मूंह महांदरा बनिया, ला के सहली टोपी शाही दस्तार सजा लिया, ला के कलगी तोड़ा पहन के जंगी लिबास, मीरी पीरी दियां दो तलवारां पा के हरगोबिंद महाराज गुरता गद्दी ते विराजमान है। इउं हो गए ने
गुरु जी गुरता गद्दी ते विराजमान होए, ढाडियां ने उस्तत कीती, सच्चा तख्त सहायो श्री गुरु पाए के, शब वरनी ना जाए कहूं क्या गए के, रब सस पै मलीन सो दर्श दिखाए के, श्री गुरु तख्त बराजे प्रभु ते आए के, मीर अब्दुल और नथा जस कहे बनाए के, दो तलवारी बद्दियां एक मीर दी एक पीर दी, एक आजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बहां कोटगढ़ दरवाजा बलख बखीर दी, नाल सिपाही नील नाल मार दुष्टा करे तगीर जी, पग तेरी की जहांगीर दी। तख्त नशीनी उपरंत महाराज ने अपने विचारां दा प्रगटावा कीता, ओ गुरु दे प्यारे श्रद्धालुओ, अज तो बाद जो भी आवे वधिया किस्म का हथियार ते चंगी नसल का घोड़ा लेके आवे और एक एक पुत्र मैनू दिओ, क्योंकि मैं सातां सिपाहियां दी फौज बनाउण लग्गिया, जेकर गुरु दियां खुशियां लैणियां हन ता शिकार खेडण जंगलां विच जाओ, कसरतां करो, घोड़ सवारी करो, गतके दे जौहर सिखो, क्योंकि कमजोरी भी एक कौमी गुनाह है जो किसी नूं माफ नहीं करदी। मैं तुहाडे हत्थां विच तलवारां दे के जुल्म दा टाकरा करवाउणा, पहला मरन कबूल नूं हिरदे विच वसाओ, सानू मौत दा डर इस करके लगदा है क्योंकि असी जीवन नूं माणिया नहीं, घबराहट इस करके लगदी है क्योंकि जीवन चो रस नहीं आया, भय इस करके है क्योंकि मंजिल दूर दिसदी आ, मौत नूं बगारोगे मौत नस जाएगी, नहचा करके तुरोंगे मंजिल छठिया जाएगी। महाराज ने तकरीर जारी रखते हुए आख्या, नेरियां विच जे नूर भरनो कताही कर गया, समझो सूरज साडे वास्ते फिर मर गया, जिंदगी विच जूझना ही तां असल संग्राम है, इहदे विच कोई जितया कोई हार गया, कतरे लहू दे दसदे जांदियां पैड़ां दा हाल, कोई नमाणा पैर सूला उत्ते धर गया, हौसला विश्वासां संग जिस किसे दे कोल है, समझो बड़ियां तो बड़ियां मंजिलां सर कर गया। तुसी ये ना सोचो कि तुसी थोड़े हो, तुसी सारे सोमे दी न्याई हो, सारे दरिया सोमियां विचों ही निकलदे ने, कट्ठे हो के वगोंगे तां हड़ा जावेगा, एक नमाणी जिही तीली सारे जंगल नूं जला के राख कर दिंदी आ, तुसी तां फिर भी इंसान हो, इंसान भी हो जिन्हां दा हिरदा हुणे हुणे तत्तियां तवियां ते भुज के हटिया, उठो जगा दो मोमबत्तियां, इह तां बगदियां ही रहिणियां रे पौणा कपत्तियां, नेर ना समझे के चानण डर गया, रात ना सोचे के सूरज मर गया, बाल जोतां आस भरियां माण मत्तियां, मन्निया राज नेर दा है हठीला, पर हजे तां जिउंदा किरणा दा कबीला, कालियां सफियां ते सतरां लाल रत्तियां, इह तां बगदे ही रहिणे ने बाप रौले तत्ते, पत जड़ां ने झाड़ देणे आ के पत्ते, इहदा मतलब ते नहीं के पुंगर ना पत्तियां, जाओ दिन रात करके पिंडां विच फिरो, भांबड़ मचा दिओ, असी जिस शांति लई रींगदे रहे ओ शांति दुश्मन दे जबाड़ियां विच स्वाद बन के टपकदी रही, शांति कुछ नहीं हुंदी, रोइयां विच गिदड़ां दा हवाकणा हुंदा, असी युद्ध करांगे, युद्ध लहू दे लाड दा नां है, युद्ध कोमल हसरतां दी मालकी दा नाम है, युद्ध विच रोटी नूं नहारन जिही सूखमता है, वक्त बड़ा चिर किसे बेकाबू घोड़े वर्गा रहा, युद्ध इस दी लगाम बन के आवेगा। महाराज ने सधारण लोकां दे दिलां नूं जिवें टुंब के वंगारिया, उस समय दा वर्णन अमरजीत सिंह रपालो दा ढाडी जत्था जोड़े दे साके विच है यो बयान करदा है। Oh, 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 oh.
आजाद हो जावो, हाँ हो जावो, हाँ हो जावो। रख के 52 चौणवे जरनैल महाराज ने जंग का बिगल बजा दिता। 8 नवंबर 1627 जहांगीर की मौत हो गई। जहांगीर की मौत तो बाद शहजादा खुरम अब्बल मुजफ्फर साहेबदीन मुहम्मद साहेब कराने शाहजहान पातशाह गाजी का नाम रख के हिंदुस्तान के तख्त उत्ते बैठा, पर पंजाब ना आया। इन्हें 1 साल में 3 गवर्नर बदली किए। अंत कलीज खां नूं गवर्नर ला दिता। लाहौर वालिया ने मनमानियां करनिया शुरू कर दित्तियां। कलीज खां ने मुखलसखां नूं 7000 फौज दे के 15 मई 1629 महाराज ते हमला कर दिता, पर हार दा मूंह वेख के वापस मुड़ना पिया। 3 महीने अब्दुल्ला खान फौज इकट्ठी करता रहा। अंत 4000 सिपाही इकट्ठा करके 17 सितंबर 1629 हरगोबिंदपुरे विखे चढ़ के आ गया। फिर नमोशी ही पल्ले पई। ये खबरां पहुंचियां ने शाहजहां दे कोल। इन्हें कलीज खां नूं बदल के अनायतुल्ला खां नूं गवर्नर लगा दिता। एक चिट्ठी भेजी के तुसी सूरमे जरनैलां दी औलाद हो, तुहातों एक फकीर काबू नहीं आउंदा। पहलियां 2 जंगां तुहाडी नलायकी दा सबूत दिंदियां ने। जाओ हरगोबिंद दी वधदी होई ताकत नूं रोको। जोश भरे शब्दां नाल एक पत्रका लेके जिवें शाहजहां पंजाब वल नूं भेजदा, उन्हां शब्दां नूं मेरे ढाडी साथी कविता दे रूप विच हे इउं बयान करदे हन। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ
गुरदीप जे लिखूगा हार दी दुनिया रहूगी सानू ताने मार दी। कल गुरदीप जे लिखूगा हार दी दुनिया रहूगी सानू ताने मार दी। ढाडी कुलदीप सोनी गाउंदे रहणगे दसूगा रपालों इतिहास पढ़ के है कोई दला विच एहो जिहा सूरमा जेड़ा गुरु सिखां नाल आवे फड़ के। चिट्ठी अनायतुल्ला खान दंद करीचण लगा इन्हे लल्ला बेग नू 10,000 फौज दे के नाल भरा कमर बेग ते काबली बेग नू तोड़िया। लाहौर विच रचियां साजिशां दी खबर भाई बोड़ू जी ने महाराज नू दसी। महाराज कोल केवल 3,000 सिपाही सन पर धर्म युद्ध का नगारा वजदी सार आले दुआले दे पिंडा तो नौजवान पहुंचने शुरू हो गए। भाई कल्याणा जी का पुत्र भाई भगता अपने चोणवे जरनैल लेके पहुंचया। उधरों लल्ला वेग राह लभदा मालवे की धरती उत्ते पहुंचया। इन्हें महाराज का पता पूछया। गुरु जी महाराज के लागे नथाने की ढाब उत्ते विराजमान सन जिसनू लोग चालू नाथ की गंगा भी आख्या करते सन। लल्ला वेग ने अपना क्रिमीनल डिपार्टमेंट का एक सिपाही हसन खान महाराज की सूह लैण लई भेजिया। जाओ पता करो महाराज कोल किन्ने सिपाही ने किन्ना असला बरूद आ किन्ने घोड़ सवार ने। ये हसन खान सूह लैण लई गया जांदी सार पकड़िया गया पर महाराज ने कुछ ना कहा छड दिता पर महाराज का होके रह गया। इन्हें आके लल्ला बेग ते कमर बेग नू दस्या गुरु जी कोल अर्जन वर्गे तीर अंदाज ने भीम वर्गे बलवान योधे ने। गुरु सिखां दा महावली इंसान है उन्हां नाल जंग करना असंभव जापदा है। चलो लाहौर नू वापस मुड़ चलीए। जिमें हसन खान गुरु जी की फौज बारे दसन लग्या उन्हां लाइनां दा वर्णन मेरे ढाडी साथी कुलदीप सिंह बरमालीपुर भगवंत सिंह रब्बों सरंगी मास्टर सवरनजीत सिंह बल्लोवाल हे ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। जो सिख कौम दे ओता महाबली बलवान।
जद हसन खां ने इनी गल आखी कमर बेग नू गुस्सा चढ़ गया, इन्हें फड़िया चाबका लगा हसन खां दे चाबका मारन, यह दौड़िया गुरु जी पास गया, इन्हें अपनी दुर्दशा बयान की। महाराज कहते रो ना, काबल का सूबा तैनू ही दबाना है, हुण लला बेग ने तकिया पानी तक गुरु जी के कब्जे विच है, पूरी ढाब उत्ते गुरु जी का मुकम्मल तौर उत्ते कब्जा, जंग की मुख लोड़ पानी है, इन्हें खूहां उत्ते कब्जा करन दी ठाणी। जदों पानी की तलाश विच केड़िया की माड़ी वाल रुख किया ता सिंघां ने टिब्बिया तो गोलाबारी कर दिती। चिनचेत हमला हुंदा वेख के शाही फौजां दे पैर थड़क गए, जोर दी हनेरी चली, मसाला बुझ गईयां, अपने पराए दा पता ना लगे, दोस्त दुश्मन दा पता ना लगे। बिधी चंद ने घेरा कत के गुरु जी नूं आख्या, एक टुकड़ी बड़े रस्ते नालों टुट चुकी है, क्यों ना रातों रात खत्म कर दईए। महाराज ने आख्या, डिगे पए ते हथियारहीण ते इस्त्री ते बालक ते बिरध ते रोगी ते शरणागत ते बार करना सूरमे दा तेज प्रताप घट जाता है, सुबह होने की अडीक करो। सुबह हुई ता लला बेग ने पहला दस्ता मुहम्मद खान की कमान हेठ भेजिया, मदद लई तहर खान ते जालम खान नूं भेजिया। गुरु जी की फौज की कमान भाई जोध शाह दे हवाले सी, जोध शाह ने अपने भरा सलेम शाह दे नाल बिधी चंद नूं 1500 जवान दे के भेजिया। नवंबर 1631 नूं नथाणे दी ढाब उत्ते एक गह गच जंग मच गया, जिस नूं कुलदीप सिंह बरमालीपुर, भगवंत सिंह रब्बों, सवरनजीत सिंह बल्लोवाल, अमरजीत सिंह रपालों दा ढाडी जत्था हे इउं बयान करदा है।
ਪਾਸਿਓਂ ਸੂਰਮੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀ ਰਹੇ ਜੋਰ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਿਉਂ ਚੀਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਦਾ ਹੁਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੂਕਦੀ ਚੜਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਾ ਭੈਣ ਨਾਗਣੀ ਕਾਲ ਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਵਜਾ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਖੂਨ ਦੀ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਨਾ ਕੱਜ ਕੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕਾਵਲੀ ਵੇਗ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕਮਰ ਵੇਗ ਕਾਵਲੀ ਵੇਗ ਨੇ ਬਾਰ ਅਰੰਭਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਵਲੀ ਵੇਗ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏ ਬਾਜੂਆਂ ਤੇ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੇ ਜੇਰ ਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੂਰਮਾ ਲੜੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮੂੰਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੇ ਦਲੇਰ ਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਘੇਰ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਫ ਨੀ ਗਧੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਦੀ ਗਿੱਦੜ ਕਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕੀ ਕਾਵਲੀ ਵੇਗ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਰ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਵਿੱਚ ਫੱਟ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੱਟ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਮਰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜਾ ਟੱਕਰ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਡਿੱਗਦੀ ਸਾਰ ਕਮਰ ਵੇਗ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਛਾਂਗ ਗਈ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮਰ ਵੇਗ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਓਏ ਕਾਕਾ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਣ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਜਾ ਕਰ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਓਏ ਬੈਰੀ ਦਲਾਂ ਦਿਆ ਮੋਰੀਆ ਆ ਜਰਾ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਜਦੀ ਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਰੋਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਘਾਉ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਹੋ ਗਏ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ ਆ ਕੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਹੋਏ ਖਾਨਾ ਮੌਤ ਡੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੱਭ ਬਹਾਨਾ ਹਾਣੀ ਤੇਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਛੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਗਾਨਾ ਪੜ ਲੈ ਕਲਮਾ ਆਖਰੀ ਬੇ ਸਮਝ ਨਦਾਨਾ ਹੱਥ ਮੀਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰਾ ਧੂਲੀ ਮਿਆਨੋ ਝੱਟ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਦੇਖ ਮੌਤ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬਟ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਲੱਲਾ ਵੇਗ ਤੇ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਟੀ ਸੋ
ਸ਼ੀਰ ਜਾ उस्ताद कवीशर ज्ञानी जसवंत सिंह जी चमन खटड़िया वालों के जिन्होंने इस VCD रिकॉर्ड कराने दे विच साडा सहयोग दिता। प्रसिद्ध सुरंगी वादक कुलविंदर सिंह घूमण, पत्रकार कुलदीप सिंह बरमालीपुर, ज्ञानी बलबीर सिंह जी वीर, सुखदेव सिंह जड़ौद, यह जत्था सेवा कर रहा सी। कुलदीप सिंह बरमालीपुर, भगवंत सिंह रब्बों, सरंगी मास्टर स्वर्णजीत सिंह बल्लोवाल, दास भाई अमरजीत सिंह रपालों, होइया भुला चुका दी खेमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।